एक मानसिक रूप से आसक्त किशोरी के साथ दुष्कर्म कर मारपीट कर नहर में फेंक दिया। पुलिस प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। नटरन थाना क्षेत्र की ग्राम रायखेड़ी चमनियाई की नहर के पास एक नाबालिग के गंभीर हालत में पड़ी होने की सूचना डायल 100 को मिली, लिहाजा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किशोरी को उठाकर जिला चिकित्सालय पहुंचाया। प्रथम दृष्टया मेडिकल परीक्षण में किशोरी के साथ दुष्कर्म होने की बात सामने आई है। पीड़िता की हालत गंभीर होने पर उसे भोपाल रेफर कर दिया है। इसके पूर्व कलेक्टर अनिल सचारी और एसपी विनीत कपूर ने जिला चिकित्सालय पहुंचकर पीड़िता किशोरी को देखा। हालत गंभीर होने पर बयान नहीं लिए जा सके हैं। बताया जाता है कि पीड़िता किशोरी मानसिक रूप से विक्षिप्त है और अज्ञात आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। कल नटेरन में रायखेड़ी और जमनपुर गांव के बीच में नहर के पास में एक लड़की घायल अवस्था में मिली थी। ऐसी सूचना 100 डायल पर आई थी, तो 100 डायल के माध्यम से उसको लाया गया है। तो लड़की को कल यहाँ एडमिट कराया गया है। अभी लड़की अर्ध यानी बेहोशी अवस्था में है, घायल अवस्था में है। उसका उपचार यानी चल रहा है उसका, लेकिन मेडिकल परीक्षण जो यानी हुआ है उस मेडिकल परीक्षण के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध में धारा 376 का प्रकरण पंजीबद्ध कोतवाली में कर लिया गया है। बच्ची अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है, अभी बच्ची की शिनाख्त नहीं हुई है। हमने एक टीम थाना करारिया और नटेरन इन दोनों की संयुक्त टीम बना के भेजा है और इस संबंध में